ये माँ से जी हैं, उम्र करीब 50 साल है। इनके लेफ्ट बिलोनी एम्पुटेशन हुआ क्योंकि क्रश इंजरी लेग थी, और करीब 20 सर्जरी और 20 साल के बाद में इन्होंने फिर एम्पुटेशन का निर्णय लिया। निर्णय पहले भी हो गया था कि एम्पुटेशन कराना है, पर इनकी व्यवस्थाएं इस तरह की नहीं थी कि ये एम्पुटेशन करा पाते। तो अभी एम्पुटेशन मैंने किया, इनका बिलोनी एम्पुटेशन हुआ है, तो उसके अंदर अब इनको एक आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस दी गई है, बिलोनी प्रोस्थेसिस दी गई है, और वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, अमेरिका की प्रोस्थेसिस है, और 6 एक्सिस उसके अंदर मूवमेंट है। वो 2 एक्सिस, 4 एक्सिस और 6 एक्सिस वाली थी, हमने 6 एक्सिस वाली इनके लिए पसंद की क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 5-7-10 हज़ार रुपये का डिफरेंस है, तो चीज़ क्यों बी ग्रेड की ली जाए, क्योंकि जितना कम एक्सिस होगा उतना ज़्यादा ही असर घुटने और कमर पर पड़ेगा, और वहाँ अर्थराइटिस हो गई फिर उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। तो 6 एक्सिस लिए, तो ज़रा मुझे वो प्रोस्थेसिस दिखाएं। हाँ दिखाइए, देखिए ये प्रोस्थेसिस है, ये बिलोनी प्रोस्थेसिस है, ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट, ये पूरा कॉन्टैक्ट के अंदर है प्रोस्थेसिस, और अब इनको गेट ट्रेनिंग दी जा रही है। बंद करिए इसको, ये ऊपर नीचे तक दिखाइए, यहाँ तक है कॉन्टैक्ट, दिखाइए ये इस लाइन तक कॉन्टैक्ट। अब पैर पेंट नीचे कर लीजिए, दूसरी टांग दिखाइए, देखिए ये नॉर्मल टांग है इनकी, और हमने जो एम्पुटेशन कर ली भी लिया है इससे, यहाँ लिया इस जगह एम्पुटेशन कर ली भी लिया है, बढ़िया एम्पुटेशन है, और एम्पुटेशन को हील होने के अंदर करीब करीब 3 महीने का टाइम दिया, 3-4 महीने का टाइम दिया, 3 महीने का टाइम दिया, और एम्पुटेशन सिस्टम बढ़िया हो गया। उसके बाद इनकी आर्टिफिशियल लेग लगाई लगाइए। चलिए अब आपको चलने की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो क्या करना है, आपको पैर ऊंचा उठाना है करीब 6 इंच, और 6 इंच आगे रखना है, मैं करके बता रहा हूँ। ऐसे 6 इंच उठाया, 6 इंच आगे रखा, फिर पूरा लोड इस पर लिया, फिर 6 इंच उठाया, फिर 6 इंच आगे, इस जूते से टिक 6 इंच आगे, फिर 6 इंच उठाया, फिर 6 इंच रखा, फिर 6 इंच उठाया, 6 इंच रखा, ऐसे 6 इंच ऊंचा उठाइए, उठाइए जी, हाँ 6 इंच, 10 इंच हो गया, 6 इंच, हाँ अब इसको भी 6 इंच उठाइए, हाँ अब इस पैर पे अब लोड नहीं ले पा रहे, इसलिए झटके से आपने रखा, अब झटके से लोड नहीं ले पा रहे इसलिए से आपने झटके से रखा। अब दूसरा आपके पैर, ये जो लाइन कांच की पड़ी हुई फर्श के अंदर, उसके पैर लगे, पैर बाहर घूम रहा है, आप इस पर लोड लेना सीखिए, जब तक लोड लेना नहीं सीखेंगे तब तक आपकी चाल नॉर्मल नहीं हो पाएगी। इसको पूरी ईमानदारी से लोड लीजिए, उठाइए पैर को इसको, हाँ उठाइए, और 6 इंच आगे रखिए, 6 इंच आगे, बस ठीक है, हाँ बस ठीक है, हाँ ठीक, अब इस पर पूरा लोड लीजिए, उठाइए 6 इंच आके रखिए, वेरी गुड, फिर उठाइए 6 इंच उठा के, हाँ फिर इसको उठाइए 6 इंच, हाँ फिर उठाइए 6 इंच, हाँ फिर उठाइए 6 इंच आगे, उठाइए 6 इंच, देखिए जो अच्छा वाला पैर है वो आगे हमेशा 1 फुट जाएगा, ये रूल होता है, जब चलना सिखाते हैं तो रूल वो 1 फुट आगे जाएगा, मत ले जाइए उसको, रोकिए और इसको इसको 6 इंच करिए, इसको बढ़ाइए, इसको छोटा करिए, बढ़ाइए, हाँ ये 6 इंच, अब इसको उठाइए 6 इंच, 6 इंच कुल 6 इंच, हाँ उठाइए 6 इंच करिए। दूसरी चीज़ ये समझना, एक तो एक काम करना है ये बहुत ज़रूरी है, दूसरा स्टूल लीजिए, स्टूल रखिए यहाँ, हाँ बैठिए, हाँ सेंटर में, अब दोनों पैर मिलाइए अपने, हाँ पैर मिला के रख लीजिए, दोनों घुटने मिलाइए, चलिए, और फिर जैसे मैंने हाथ चलाना बताया था पहली, सुनो आपकी पूरी बॉडी यहाँ से लेके पूरी बॉडी आपकी एक लाइन के अंदर है, और ये जो आपके सामने मिरर है इसके अंदर आपको देखना है, इसके अंदर, ठीक है, और ये लाइन आपको उसके अंदर दिख रही है, देखो ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन को ध्यान रखते रहिए, और कंधे चलाने हैं आपको, सिर्फ कंधे चलाने हैं, कोहनी नहीं मोड़नी है, मुट्ठी बांध के रखना और अंगूठा मेरी तरह से ऐसे सामने रखना, चलिए करिए, चलिए करिए करिए, हाँ करिए करिए, हाँ बॉडी बिल्कुल मूवमेंट नहीं, बिल्कुल पत्थर की बनी है, सिर आपका पत्थर का है, आपकी कोहनी मुड़ रही है, दोनों कोहनी मुड़ रही है, कोहनी टाइट बिल्कुल फौज की तरह, 26 जनवरी की परेड, आप 26 जनवरी परेड में राष्ट्रपति साहब बैठे हुए हैं, सब विदेशी मेहमान बैठे हुए हैं, आगे मत ले जाइए आप, आगे ले जा रहे हैं, इनका पीछे ले जाना है सिर्फ, आगे तो अपने आप आएगी, आगे अपने आप आएगी, पीछे जितना ज़्यादा ले जाएंगे आगे अपने आप आएगी, बस
पीछे ले जाके छोड़ दीजिए आगे, अपने आगे कौनी नहीं मुड़नी चाहिए, कौनी सामने, बॉडी बॉडी अभी हिल रही, बॉडी हिलना शुरू होगी, बॉडी हिलना बंद करिए, बॉडी हिलना बंद करिए और अपनी पूरी जो चाल है आपकी उसको सामने पूरे मिरर में देखिएगा, देखिए हाँ देखिए, चलिए चलिए चलाइए, देखिए बॉडी को मूवमेंट संभालिए, हाथ चलाना सीखिए, आपका हाथ ऊपर जा रहा, कंधे के लेवल तक आता रहा, इसका हाथ ऊपर ले जा रहे हैं, पीछे हाथ ले जाना है लेकिन हाथ को आगे नहीं ले जाना है, हाथ को पीछे ले जाना है आगे नहीं ले जाना है, ठीक हाँ। बैलेंस बनाना सीखिए, बॉडी का मूवमेंट जरा भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस बनाना सीखिए, बैलेंस बनाना सीखिए, हाथ का मूवमेंट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, बिल्कुल भी, हाथ का मूवमेंट बिल्कुल होगा, बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा। चलाना सीखिए, कौन ही मुड़ रही है अभी भी, अभी कौन ही मुड़ रही है, कौन ही आपकी एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए, ठीक है बात आई समझ में। तो एक तो आपको हाथ का मूवमेंट चलना चाहिए, जब हाथ चलाएंगे तो चाल नॉर्मल होगी, हाथ नहीं चलाएंगे तो आपकी चाल 1000 साल तक नॉर्मल नहीं हो पाएगी, कोई माई का लाल आपकी चाल को नॉर्मल नहीं कर सकता, हाथ चलेंगे तो आपकी चाल नॉर्मल होगी, हाथ को नॉर्मल चलना चाहिए, एक तो ये चीज़ करनी है, दूसरी पैर को 6 इंच ऊँचा उठाना है, 6 इंच आगे रखना है, ठीक। एक चीज़ ध्यान रखें, जो नॉर्मल पैर है वो हमेशा 1 फुट का रखा जाएगा, उसको 6 इंच करना, उसको रोकना है कि 1 फुट का ना हो जाए, और जो अफेक्टेड पैर है वो दिक्कत, वो आपका 6 इंच जाएगा, छोटा जाएगा, तो इसलिए आप ध्यान रखें। दूसरा, एक एक पैर पर जैसे शिव जी खड़े होते थे ना एक टांग से ही हो, कौन सा वो तांडव नृत्य होता था, एक टांग पर खड़े होने की कोशिश कीजिए, और घड़ी सामने रख लीजिए, जैसे ये बड़ी वाली घड़ी है ना हमारी वाली, ये सेकंड वाली, और देखें कि 5 सेकंड तक आप एक पैर पर खड़े हैं और 5 सेकंड एक पैर पर। तो मैंने जब आर्मी जो रिपब्लिक डे परेड होती है उसमें मैंने भाग लिया है, उसमें प्रैक्टिस कराई जाती आप कितनी देर तक एक टांग पर खड़े रह सकते हैं बैलेंस बनाते हुए, बहुत प्रैक्टिस करते थे हम, तो मैं आराम से आधा घंटे तक एक टांग पर खड़ा रह सकता था, अभी प्रैक्टिस करूँ तो 3-4 दिनों की आदत आ जाएगी। तो जितना ज़्यादा देखा आपकी कौन ही मुड़ रही है, कौन ही नहीं मुड़नी चाहिए, कंधा चले सिर्फ, जब ये प्रैक्टिस कराऊंगा तब नॉर्मल चलाएगी आपकी, ठीक है। तो एक टांग पर खड़े रहने प्रैक्टिस कीजिए, दोनों टांगों पर एक ताकत से ज़्यादातर खड़े रहेंगे ज़्यादा देर तक, तब आपकी चाल नॉर्मल आएगी, ये कोई नहीं सिखाएगा, इसको गेट एनालिसिस और गेट ट्रेनिंग कहते हैं, एक अलग चैप्टर है, उसकी ट्रेनिंग मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में किसी सेंटर पर नहीं दी जाती है, ऑस्ट्रेलिया में है जहाँ सचिन तेंदुलकर अपनी सर्जरी कराने जाते हैं वहाँ, वो बहुत बड़ी मशीन है, बहुत बड़ा काम होता है, पर जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ, एक तो कंधे चलाने, हाथ चलाने, नंबर दो ये दोनों टांगों पर बराबर लोड लेना है, पर वो लोड लेने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अब वो प्रैक्टिस मैं कराता हूँ अभी आपको। आप देखिए अब इनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि पहले तो दोनों पैर सीधे कीजिए, पैर बाहर की तरफ घूमे नहीं रहने चाहिए, पैर बाहर घूमें, दोनों पैर का आगे वाला हिस्सा मिलाइए, ठीक। अब दोनों एड़ी दीवार से लगाइए, एड़ी का पिछला हिस्सा दीवार से लगाइए, अब कोशिश कीजिए आपके घुटनों का बैक वो दीवार से लगे, अब आपके कंधे दोनों दीवार से लगें, आपकी सिर की चोटी वाला हिस्सा दीवार से लगे, तो पूरी बॉडी को दीवार से चिपका दी जैसे फेविकोल से या कीलों से दीवार पर ठोंक दिया गया आपको। ये अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके सिर की चोटी दीवार से लगी है, आपके कंधों की बैक पूरी दीवार से चिपकी हुई है, आपके हिप की गोलाई दीवार से चिपकी है, आपके पैरों की बैक दीवार से लगी हुई है, और आपकी एड़ी दीवार से लगी है, और आपके दोनों पंजे आपस में अंगूठे मिले हुए हैं, एक अलाइनमेंट ये होता है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अब मैं साइड से अगर आपका फ़ोटो खींचूं तो आपका सिर दीवार से लगा हुआ है, आपके कंधे दीवार से लगे हुए हैं, आपके हिप दीवार से लगे हुए हैं, आप घुटनों की बैक नहीं लगी है, दबाइए दबाइए, ऊपर का हिस्सा ना उठे, दबाइए। तो आपको मेहनत करनी है कि आपके घुटनों की बैक दीवार से नहीं लगी है, अगर ये नहीं मिल पाएगी तो फिर आपकी चाल नॉर्मल नहीं हो पाएगी, तो इस पर हमें काम करना है कि घुटनों की बैक को दीवार से लगाना है, वो जो नहीं लग रही है, ये आप ईमानदारी से काम करेंगे तो 1 सप्ताह के अंदर फर्स्ट क्लास लग जाएगी, ठीक है, करना है आप पे काम। आप क्या करेंगे, हम वाकर पकड़िए, हाँ आप अच्छे पैर पर खड़े होइए, उस पैर को हवा में उठा लीजिए, हाँ बॉडी दीवार से लगा के रखो, ठीक।
अब आपने जो एम्पुटेटेड पैर है जिसमें आर्टिफिशियल लगे वो आपने उठा लिया है, अब ऐसे ही अब धीमे धीमे वाकर से उंगलियों को हटाइए, हाथ को हटाइए और एक 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 उंगली से टच कर लिए वाकर को, एक उंगली से कस के, और आप बैलेंस बनाइए। बॉडी तिरछी हो रही है आपकी, बॉडी तिरछी नहीं होनी चाहिए, बॉडी सीधी रहे और बैलेंस बनाइए और इस पैर को 6 इंच ऊँचा उठा लीजिए, उठाइए। अब आपने ऊँचा उठा रखा है ज़मीन से करीब 2 इंच ऊँचा है, और ऊँचा उठाइए, और ऊँचा उठाइए कि आपका ये जो पैर है यहाँ इससे लग जाए। यस दैट्स गुड। अब बैलेंस बनाइए और इसकी अब एक कंधा ऊँचा एक उठ रहा है, इसको नीचे लाओ, सीधा करो, बैलेंस बनाओ। बहुत बढ़िया, आपने बैलेंस बना लिया। ये मेंटेन करना है। तो आरडी परेड रिपलेटरी परेड की जब मैंने तैयारी की थी इसकी हमें घंटों प्रैक्टिस कराई जाती थी। 5,000 लड़कों में से एक लड़का सेलेक्ट किया जाता आरडी परेड के लिए, जो 26 जनवरी की दिखती थी एनसीसी की, पूरे हिंदुस्तान में कॉम्पिटिशन होता था। अब बात समझिए ना, एकदम चुनी हुई नगीने, जैसे कोयले की खान में से एक हीरा निकलता है ऐसे, वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। मैं कर चुका हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये कर लिया आपने, अब हाथ हटाइए, अब बैलेंस बनाइए, हाथ की दीवार पर हथेली दिखा लो दीवार पे, अब गहरी गहरी सांस लो, इसमें पसीना आता है बहुत ज़्यादा और आपको गला भी सूखता है, गला सूखे फटाफट पानी पी लो। नीरज भाई इनको एक गिलास पानी पिलवाया जाए, चक्कर आते हैं, गहरी गहरी सांस लो, हाँ इसमें चक्कर आते हैं, गिर भी सकती तो फटाक से तुरंत सपोर्ट ले लो, गिरो मत, पानी पी लो, पानी जरूरत पड़ती है, कई मरीज गिर जाते हैं, तो पानी पियो, गहरी गहरी सांस लो, गिरोगे नहीं, ठीक है। अब दोनों पैर फिर मिलाओ नीचे, दबाओ नीचे, दबाओ एडी देगा पीछे, एडी पीछे ले जाओ, एडी पीछे ले जाओ, पैर आगे से मिलाओ, हाँ, और फिर पकड़ लो इसको, फिर उसी तरह से अब इस पैर में पूरा वजन लोगे, इस पैर को उठाओ, चलो पकड़ो इसको, वाकर को वाकर पकड़ो, वाकर पीछे ले जाओ, हाँ वजन लो, पानी पी लो एक गिलास जल्दी से, ठीक, गहरी गहरी सांस लो, गिलास दे दो यार, चलो मांस चढ़ाओ अपना, ठीक, पकड़ो वाकर पकड़ो दोनों हाथों से, इसको पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, वाकर को पीछे ले जाओ, दीवार से लगाओ, वेरी गुड, ठीक। अब दोनों पैर आगे से मिलाओ, अब पूरा लोड आपको एम्पुटेशन वाले जिसमें आर्टिफिशियल लगे उस पर लेना है, इसी तरह से 2 चेंज सब बता चुका हूँ आपको, लीजिए चलिए। यस, घुटना पीछे दबाओ, घुटना पीछे दबाओ, घुटना पीछे दबाओ, इस घुटने को सीधा रखो, थोड़ा बाकर और आगे ले लो, हाँ चलो अब उठाओ, अब इसका घुटना नहीं, इसको घुटने को यहाँ लगा दो बस, हाँ अब वो कंधे पीछे ले जाओ, घुटने की बैक पीछे ले जाओ, कंधा पीछे ले जाओ, तो बैलेंस बनाओ, बैलेंस बनाओ, खड़े हो, बैलेंस बनाओ, खड़े हो, और धीमे धीमे अपने पैर पर लोड लेने की कोशिश करो, और आपका ये इस पर वाकर पर लोड कम से कम होता चला जाएगा। आप बैलेंस बनाओ, आप कर सकते हो, हिम्मत मत हारो, आप बिल्कुल मत हारो, नहीं गिरोगे, विश्वास करो, आप किसान आदमी हो, मजदूर आदमी हो, मेहनत करते हो, आप नहीं गिरोगे, विश्वास बनाओ अपने अंदर, और इस पे हथेली का प्रेशर खत्म करो, कम करो, और उंगली का सहारा लो उस तरफ, एक उंगली से, और बैलेंस बनाओ, बॉडी को तिरछा आड़ा तिरछा मत होने दो। अगर आप इसमें सफल हो गए तभी नॉर्मल चल पाओगे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप एक पैर पर पूरा वजन लेना नहीं सीखोगे तब तक आपकी चाल नॉर्मल नहीं होगी और तब तक आपकी छड़ी नहीं दूर होगी। क्लियर हो गया? तो आज से आपकी ये ट्रेनिंग शुरू होनी है, एक एक पैर पर पूरा वजन लेके जितना अधिक तक टाइम बढ़ा सकते हो, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, मैं तो ये चाहूँगा 5-5 मिनट तक आप वजन लेना सीख जाएं, और बॉडी टच से मत सुनाओ, कोई कंपन बॉडी में ना हो, कोई पसीना नहीं है, पूरी ताकत से आराम से खड़े हो एक एक टांग पर, ठीक है। मैं आधा घंटे तक खड़ा हो सकता हूँ एक टांग पर, इतनी प्रैक्टिस थी मेरी, अभी 5 मिनट खड़ा हो सकता हूँ। आप करें तो आपकी चाल नॉर्मल हो जाएगी, ये बेसिक चीज़ें हैं। तीसरी, जब चलें तो आपके पैर लाइन के पैरेलल हों, जो लाइन पड़ी फर्श पे, बाहर की तरफ ना घूमें, पंजा आगे से बाहर की तरफ ना घूमें, जैसे देखिए बाहर घूम गया, अब सीधा करो इसको, हाँ ऐसे पैरेलल रहें। तो दो तरह, एक तो कंधे चलने चाहिए, पैर पैरेलल होने चाहिए, और एक एक टांग पर पूरा वजन लेके चले, 6 इंच ऊंचा उठाएं, 6 इंच आगे बढ़ाएं, तो इसी प्रैक्टिस करो आप, समझना। जो नॉर्मल पैर है, जब आप जो एम्पुटेटर पैर पर वजन है और नॉर्मल पैर हवा के अंदर है, तो वो पैर 1 फुट आगे लग जाएगा आपका, उसको 1 फुट नहीं जाने दो, 6 इंच रहने दो, और
जब आप नॉर्मल पैर पर वजन लेके खड़े हुए हैं तो ये पैर छोटे ही रखोगे आप बात समझ रहे हो ना। तो आपको नॉर्मल पैर को आगे नहीं बढ़ाने देना है, ठीक, क्लियर हो गया आपको, बेसिक चीज़ें बता दी, इतना सीख लो फिर अगली स्टेप और लूँगा, क्यों वीडियो लंबी हो रही है मेरी, 15 मिनट की हो गई। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली, मोबाइल 9810124433 और लैंडलाइन 0114243006। थैंक यू। एक और महत्वपूर्ण स्टेप होता है इसके लिए कि हम कैसे ट्रेनिंग कराते हैं, हमने सामने इनको एक वाकर दे दिया है और इसके साथ हमने सामने स्टूल रख दिया लोहे का। अब आप अपने अच्छे वाले पैर को, जो पूरा पैर आपका खुद का है, भगवान का दिया, उस पैर के जूते को इस पर रखिए, वाकर पे सारा ले लीजिए, वेरी गुड, अच्छी ढंग से पूरा पैर रख लीजिए, हाँ ठीक। अब ये जो पैर है आपका आर्टिफिशियल लगे, ये एड़ी को दीवार से लगाइए, एड़ी दीवार से लगाइए, ठीक, एड़ी को ज़मीन पे दबाइए, अब एड़ी को, अब घुटने को पीछे दबाइए, घुटना आपका हवा में है, नहीं अभी तो करीब, अब घुटना करीब 10 डिग्री मुड़ा हुआ है, देखिए मेरे हाथ को घुटना इस तरह थोड़ा मुड़ा हुआ है, इसको सीधा करिए, इस तरह से दबाइए, पीछे दबाइए दबाइए दबाइए, यस दैट्स गुड, ये चाहिए मुझे, दबाइए दबाइए, ये चाहिए मुझे, हाँ। अब इसको एक हाथ से दूसरे पैर को इस पर रखिए, आप नीरज इनकी हेमिस्ट्रिंग कम है, हेमिस्ट्रिंग को मजबूत कराना है, ठीक है, चलो रखिए पैर को, अच्छे वाले पैर को रखिए इसके ऊपर, वेरी गुड, अब दबाइए उसको पीछे, हाथ से नहीं, अपनी जांग की ताकत से, आपकी जांग की मांसपेशी की ताकत कमज़ोर है, आपको हमने 3 महीने का करो करो आप नहीं कर पाए, उतनी नहीं की जितनी चाहिए आपको, चलिए आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी सिखाएंगे आपको, दबाओ, खड़े हो जाओ, वेरी गुड वेरी गुड, पीछे दबाओ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस टांग पर लोड लेने की ट्रेनिंग करना। देखिए इन्होंने वाकर भी नहीं पकड़ा हुआ है और पूरी बॉडी दीवार से लगी हुई है इनकी और अपने पैर पर खड़े हुए हैं, पर एक डिफेक्ट आ रहा है कि इनका घुटना बैक में पूरा दीवार की तरफ नहीं लगा, देखिए इतना गैप आ रहा है, ये गैप कितना है, करीब 4 अंगुल का पूरा, ये गैप नहीं आना चाहिए, दबाइए, चलिए अब अच्छे वाले पैर को लगाइए, हाँ हाँ लगाइए, अब इस पैर को उठा के रखिए, रखिए उठा के, रखिए उठा के, रखिए उठा के, और रखिए, वेरी गुड, अब उस पैर को दबाइए 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 और दबाइए, हाँ अभी लगभग पूरा दीवार से टकरा गया, अब इसकी प्रैक्टिस करिए खड़े होने की, सिर को दीवार से लगाइए, उस पैर को दबाइए और दबाइए और दबाइए, अब आपको घुटने की बैक दीवार से लगी महसूस हो रही है, लगाइए और दबाइए, थोड़ा सा और दबाइए, थोड़ा और दबाइए, थोड़ा और दबाइए, हाँ अब इसी कंडीशन में इसको लेके आइए, तब चाल नॉर्मल आएगी आपकी, और दोनों पैरों पे 5-5 मिनट तक खड़े होने की प्रैक्टिस करिए सर, ठीक है, चलिए अब इसको ज़मीन पे ले जाइए, पीछे दबाइए, पीछे दबाइए, पैर सीधा करिए, पैर थोड़ा बाहर जा रहा घूम रहा है, हाँ इड़ी दबाइए, हाँ अब इसको पीछे दबाइए, उस पैर को यहाँ लेके आइए, हाँ और आगे लाइए, थोड़ा वाकर और आगे ले लो, हाँ अब घुटने को बैक में दबाओ, घुटना बैक में दबाओ, नहीं दब रहा, दबाइए और दबाइए, यस वेरी गुड, थोड़ा सा और बैलेंस बनाइए, देखिए आपकी पूरी बॉडी दीवार से लगने वाली एड़ी लगी है, हिप लगा हुआ है, कंधे लगे हैं और सिर लगा हुआ है, सब कुछ दीवार से लगा हुआ है, सिर्फ आपका घुटना पीछे नहीं जा पा रहा है, दबाइए पीछे, यस यू कैन डू, यस जितना ज़्यादा ये सीधा हो जाएगा और जितना इस पर आप लोड लेना सीख जाएंगे उतनी चाल आपकी नॉर्मल हो जाएगी, तकलीफ़ हो रही है लोड लेने में है ना, तो इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करना सीखिए, पानी थोड़ी थोड़ी पीते से पसीना आता, बीपी फॉल करता है, इसको ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं, बेटे पानी लेकर इनके लिए पानी, इसमें काफ़ी दिनों बिस्तर में रहे ना, तो जब आदमी खड़ा होता है तो बीपी फॉल करता है, उसको इसको एक अलग नाम है, ऑर्थोस्टेटिक खड़े होने पर बीपी का गिरना, तो गहरी गहरी सांस लें और पानी पिए, ये सबसे अच्छी चीज़ है, देते रहो पानी पिलाओ, ठीक है सर, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, इसके अंदर और करते हैं, मरीज से कहते हैं कि वजन मत लो, वाकर पर वजन मत लो, हाँ अब इस पैर को, हाँ टच करो उस पर वजन लो, इस पैर को टच करो, बॉडी क्यों पूरी आड़ी तिरछी हो जाती है,
आपकी बॉडी आड़ी आड़ी तिरछी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, और ऐसे इसको, इस पूरी चाल को अपने शीशे में देखिए, चली करिए। हाँ चलो, टच करो टच करो टच करो, वेरी गुड, वेल डन। वाकर वजन मत लो, वाकर वजन मत लो, वाकर तो कोई गिरने, बाई दावे गिरे तो बचने के लिए। हाँ चलो करो, शीशे में देखो करो। आगे क्यों जा रहे हो, आगे नहीं जाना है, वहीं खड़े रहो। चलो कदम ताल करो, झुकते क्यों, झुको मत, सीधे तन के खड़े हो, तन के खड़े हो। हाँ आप धीरे धीरे शीशे में घुसते जा रहे हो, वहीं रहो। हाँ चलो करो, ये बढ़ाया क्या, तो इधर झुकना क्यों पड़ रहा है आपको, थोड़ा बढ़ाया क्या पैर, पैर बढ़ाया क्या, तो फिर चलो करो, आराम से करो, चलो करो। बाकर एक सेकंड आगे मत ले जाना, एक इंच भी। हाँ चलो करो जल्दी जल्दी। हाँ हाँ बाकर थोड़ा और आगे ले जाओ, जैसे घुटना टकरा है, आपकी थाई टकरा रही है। हाँ हाँ अरे बॉडी को तो पीछे रखो तन के। हाँ करो, हाँ करो प्रैक्टिस, करो प्रैक्टिस। हाँ आप एक टांग पर खड़े हो जाओ, इसको ऊपर रखो, ऊपर ही रखो, ऊपर ही रखो, ऊपर रखो, फिर नीचे रख दो इसको, और इस टांग पर खड़े हो इसको ऊपर रखो। हाँ ठीक है, समझ गए ना। चलिए एक और हमने एक चीज़ इनके अंदर नोट की है कि इनका ये पैर बैक में दीवार से नहीं लग रहा है, इसमें आर्टिफिशियल लिम्ब लगी है, ये इनका नॉर्मल लिम्ब है। ये जो सर्जरी का निशान दिख रहा है, इनको क्रॉस लेग फ्लैप लगाया गया था इस टांग को बचाने के लिए, उसका निशान है। ये 15-20 साल पुराना किस्सा है। अब मैं इनसे कह रहा हूँ दोनों घुटनों को मिलाइए, दोनों घुटनों को मिलाइए सर, ठीक। अब इस टांग को मोड़िए, मोड़िए, हील को हिप से लगाइए, वापस लाइए, ठीक। अब इस टांग को मोड़िए, मोड़िए मोड़िए, पूरे जितना मोड़ सकते हैं, और मोड़िए वापस ले जाइए। चलिए इसको कहते हैं, ये मसल होती है जो हिप से लेकर के यहाँ से, जो मसल ये पूरी मसल, और यहाँ लेकर के जो यहाँ अटैच होती है, इसको हेमिस्ट्रिंग्स कहते हैं। और इसके फ्रंट में जो मसल है, तो ये तो बैक साइड ऑफ दी थाई है, ये हेमिस्ट्रिंग्स मसल्स हैं, और ये जो फ्रंट ऑफ दी थाई है वो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं। अब इनकी क्वाड्रिसेप्स में तो जान है, हेमिस्ट्रिंग की जान इनकी नहीं है, उसकी ताकत कम हो गई है। तो जब तक इनकी ताकतें पूरी नहीं आएगी, तब तक ये हेमिस्ट्रिंग क्वाड्रिसेप्स दोनों की ताकत 100% रहनी चाहिए, और जब तक ये ताकत पूरी नहीं आएगी, तब तक एक टांग पर नहीं खड़े हो पाएंगे, तब तक इनकी चाल नॉर्मल नहीं आएगी। इसके लिए अब हमको इनकी हेमिस्ट्रिंग की ताकत नॉर्मल करनी है, तो तेज़ी से इसको मोड़िए, तेज़ी से मोड़िए, सीधे सीधा करिए, सीधा क्वाड्रिसेप्स होता है, मुड़ता हेमिस्ट्रिंग से है, उसको मोड़िए तेज़ी से। हाँ इनको टाइम लग रहा है, फिर सीधा करिए। अब हम क्या करेंगे, जब ये अच्छी तरह से करना सीख जाएंगे, तब हम इस टांग पर जिसमें जो आर्टिफिशियल लेग लगी हुई है, इस पर हम 1 किलो का वेट लगाएंगे। जैसे जैसे ये वेट कप है, देखिए ये वेट कप है, हमें वेट कप इस पर बांधेंगे, पहले तो नॉर्मल टांग पर बांधेंगे, देखिए क्योंकि हेमिस्ट्रिंग इतनी मजबूत होनी चाहिए इनके ऊपर वाले शरीर का वजन उठा सके। अगर 2 किलो वजन नहीं उठा पाएगी तो इनके शरीर का वजन नहीं उठा पाएगी, तो पहले से प्रैक्टिस कराएंगे। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, हम 10-10 किलो वजन से प्रैक्टिस कराएंगे, तब ये वजन ऊपर कर ले पाएंगे। चलिए मोड़िए, देखिए आसानी से ले गए, इस टांग को तो आसानी से ले गए, ठीक है। अब इस वेट को इधर लगाइए, ये नॉर्मल टांग है, हाँ बांधिए इसके ऊपर। अब इसको मोड़िए, इसको इसको नॉर्मल टांग को नहीं, इस वाली टांग को। अब इनको दिक्कत हो रही है मोड़ने में, मोड़ तो लिया है पर दिक्कत काफ़ी हो रही है। अब इसको 100 बार करिए इस तरह से, 100 टाइम्स, एक बार हो गया, लगाइए ताकत, पूरी ताकत लगाइए, लगाइए। हाँ फिर मोड़िए, आप हिप को नहीं उठाएंगे, हिप को दबाए रखेंगे, हिप इसको दबाइए और यहाँ से मोड़िए, चलिए करिए। हाँ मोड़िए मोड़िए, हाँ
दवाई मोड़िए मोड़िए फिर सीधा करिए। अब 2 किलो से हम इनको 100-200 बार कराएंगे, अब प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर इस वजन को हम 3 किलो का करेंगे। ऐसा करते करते हम 10 किलो वजन से दोनों टांगें मोड़नी प्रैक्टिस कराएंगे, तब इनका खड़ा होना और अच्छा हो जाएगा, चलना और अच्छा हो जाएगा। तो हेवी स्ट्रिंग की अब एकदम सीधे हो जाइए, वेट कप निकाल दीजिए, सीधे हो जाइए, हाँ पैर बाहर लटका लीजिए, आइए इधर नीचे खिसक आइए, बैठ जाइए, हाँ और आइए और आइए, हाँ अब मेज़ पकड़ लीजिए साइड से, नहीं इधर से जान के बगल से, और घुटने पास पास मिलाइए, ठीक। अब अच्छी वाली टांग को, नॉर्मल टांग को सीधा करिए, वेरी गुड। ये क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज है, ये जो फ्रंट मसल्स होती हैं इनको क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। अब नीचे ले जाइए, फिर सीधा करिए, हाँ चार्ट क्वाड्रिसेप्स का चार्ट लेकर जाइए। अब दूसरी टांग को सीधा करिए, वेरी गुड। तो क्वाड्रिसेप्स में तो ये ठीक हैं, फ्रंट की मसल्स तो ठीक हैं, बैक की मसल्स ठीक नहीं हैं, तो इसलिए जब ये खड़े होते हैं तो इनकी टांग पीछे नहीं जाती है। देखिए थोड़ा तो देखिए, तो इसको उठाइए, तो ये पूरी सीधी कर लेते हैं, ये 100% स्ट्रेट है, जब इसको सीधी करते हैं चलिए तो ये पूरी सीधी नहीं हो पा रही है, ये सब 5 डिग्री फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन रह जाता है। तो ये स्किन को 100% सीधा, अब कोशिश करिए दोनों टांगें एक साथ सीधी करने की, दोनों एक साथ उठाइए, अलग रखिए, उठाइए दोनों घुटने में ला के रखिए, फिर नीचे ले जाइए। ये दोनों क्वाड्रिसेप्स एक साथ कर रहे हैं, ऐसे इनकी हैमी स्ट्रिंग्स कराएंगे, और एक एक दिन में इनको 10-10 राउंड कराएंगे। क्वाड्रिसेप्स मसल कौन सी होती है वो मैं समझा देता हूँ, इनके साथ ही रखिए, ये रखिए देखिए, ये जो मसल पेस ये थे 1, 2, 3, ये 4 मसल्स होती हैं, ये यहाँ अटैच होती हैं, इनको क्वाड्रिसेप्स मसल कहते हैं। इसकी जो बैक में मसल्स होती हैं उनको हैमी स्ट्रिंग कहते हैं। तो इनका भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और घुटने वाले सभी मरीजों के लिए ये, इनको क्वाड्रिसेप्स मजबूत है, हैमी स्ट्रिंग मजबूत है। अगर मरीज शुरू से 30 साल की उम्र से एक्सरसाइज करना शुरू कर दे तो 100 साल की उम्र तक घुटना चेंज होने की नौबत नहीं आएगी, ना घुटनों में दर्द होगा। तो जितनी ज़्यादा इनकी हैमी स्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स मजबूत हो जाएंगी उतनी ही इनकी चाल नॉर्मल हो जाएगी। अब जल्दी जल्दी करिए, चलिए दोनों एक साथ उठाइए, हाँ एड़ी मिला के रखिए, अंगूठे मिला के रखिए, ये घुटना पूरा नहीं सीधा हो पा रहा, इसको पूरा सीधा करिए तन के पूरी ताकत से, चलिए लाइए, हाँ हाँ उठाइए, हाँ करिए। एक दिन में 10,000 बार कर लीजिए, 1,000 बार तो मैं करता हूँ रोज़ाना सुबह, जिससे कि मेरे बुढ़ापे में घुटने ख़राब ना हो जाए, ठीक। ये तो बैठ के हो गई 10,000 टाइम्स, घुटना नहीं ख़राब होगा आपका पूरी ज़िंदगी 100 साल तक, अगले 50 साल और जीना है, और आगे आने वाले दिनों में तो उम्र 120 साल होने जा रही है आदमी की, अगले 50 साल में तो अभी 70 साल जीना है इसी घुटने से, ठीक है। अब एक बार उल्टे, तुरंत उल्टे हो जाइए, जाइए पैर बाहर निकाल लीजिए, हाँ हो ही उल्टा, बाहर निकालिए पैर, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, और आइए नीचे, हाँ अब मोड़िए, घुटने में लाइए, घुटने में लाइए, कंधों को नीचे नीचे गिराइए, मेज़ को साइड से पकड़िए, साइड से कस के पकड़ लीजिए, पूरी ऊपर वाली बॉडी को मेज से चिपका लीजिए, जैसे फेविकॉल से चिपका दिया है, जरा भी नहीं छूटे, दबा के रखो मेज से, हिप भी दबा के रखो। अब पूरी ताकत लगा के दोनों घुटनों को मोड़िए, यस, दोनों घुटने पास पास, एड़ी पास पास रखिए, एड़ी पास पास, अंगूठे पास पास, आगे पीछे होने इनको सही करिए, हाँ थोड़ा और, हाँ हाँ अब ले जाइए दोनों को एक साथ, वेरी गुड, वेल डन, करिए, वेरी गुड करिए। एक दिन हिप उठ रहा, हिप मत उठने दीजिए, हिप दबा के रखिए, हाँ हाँ 10,000 टाइम्स, कितने बार मैंने कितने बार बोला, 10,000 बार करिए, ये करनी है आपको। तो ये एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी चाल, कोई नहीं बता पाएगा कि आपकी टांग नकली है। एक्सरसाइज करिए, टांग मजबूत करिए, मांसपेशी मजबूत कीजिए, आपकी कोई चाल नहीं पहचान पाएगा। आप करेंगे 1 महीने के अंदर इतना चेंज आ जाएगा कि कोई आपको ही नहीं पता लगेगा मेरी टांग नकली लगी है। करना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा मसल्स मजबूत होंगी उतनी ज़्यादा आपकी चाल नॉर्मल होगी, ठीक है सर। चलिए और कराते हैं, वो एक्सरसाइज है एबडक्टर, ये जो मसल होती है ये वाली,
ये तो फ्रंट मैंने बताई थी, क्वाड्रिसेप्स होती है, ये एबडक्टर होती है बाहर जो ले जाती है, पीछे वाली हेमिस्ट्रिंग होती है, ये एडक्टर होती है, इनको भी मजबूत करना पड़ता है एबडक्टर एडक्टर को। उसके लिए एक सीधा तरीका है, पैर को पहले एकदम टो एकदम सीधी रहनी चाहिए, जूता सीधा रहना चाहिए, मेज को पकड़ लो सिर ज़मीन पर, अब टांग को टाइट करो, हाँ अब जूता बाहर इधर बाहर नहीं घूमना चाहिए, सीधा रहे आसमान की तरफ। अब इसको दूसरी मेज की तरफ ले जाओ, ऊँचा ना उठाएं, नीचे नीचे करके घुटना सीधा, बाहर घूम रहा है बाहर घूम रहा है बाहर नहीं घूमे, हाँ चलो अंदर घुमा के रखें, अब सीधा सीधा ले जाएं, जितना दूर ले जाएं, चलो थोड़ा बस एक इंच ऊँचा उठाएं बस, ज़्यादा जूता घुटने को सीधा रखें, घुटना मुड़ जाता है आपका और दूर तक। और उसका एक और तरीका है, इस वाले पैर को थोड़ा इस मेज से बाहर निकाल लो, ऐसे गिरा लो नीचे बस, अब पूरी पूरी रेंज करो, हाँ बाहर घूम रहा है बाहर घूम रहा है बाहर घूम रहा है बाहर नहीं घूमना चाहिए, हाँ और दूर तक लाओ, यस हाँ हाँ वेरी गुड, घुटना टाइट दूर तक दूर तक दूर तक दूर तक, हाँ ओह ठीक, हाँ समझ में आई आपको, हाँ आप ऐसे ही रहने दो, थोड़ा ऊपर खिसक जाओ थोड़ा और ऊपर खिसक जाओ, अब इस पैर को बाहर घुमाओ पूरा, फिर पूरा अंदर घुमाओ, ये करो, ये इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन, इनको रोटेटर्स को भी बाहर घुमाने वाली मसल्स अंदर घुमाने वाली मसल्स, इनकी भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ये एक्सीडेंट के बाद एम्पुटेशन के बाद लंबे समय तक बिस्तर में रहने के बाद ये आसान काम नहीं है, ये मान के चलिए जितने समय तक प्लास्टर में रहेंगे या जितने समय तक बिस्तर में रहेंगे उससे दोगुना समय, अगर मानो 3 महीने प्लास्टर में बिस्तर पर रहे हैं तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक आपको नॉर्मल चाल और नॉर्मल पावर आने में लगेगा, वो तब जबकि आप दिन में कम से कम 2-2 घंटे की 4 सिटिंग एक्सरसाइज की कर रहे हैं, तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो भूल जाए ज़िंदगी में कभी आप नॉर्मल मांसपेशी उतनी मोटी हो पाएंगी उतनी मजबूत हो पाएंगी और चाल में डिफेक्ट बना रहेगा। चाल को नॉर्मल लाना एक तपस्या है एवरेस्ट पर चढ़ने जैसी, और एक अच्छे अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में एक एक मसल का चार्ट बनता है, हर सप्ताह वो चार्ट टैली होता है, कितनी हमने पावर गेन की है, कहाँ लॉस हो रहा है कहाँ गेन हो रहा है, और वो 100% पावर जब दोनों की आ जाएगी तब जाके चाल नॉर्मल आती है। पावर का नॉर्मल लाना और गेट ट्रेनिंग करना गेट का नॉर्मल लाना ये मजाक नहीं है, एक तपस्या है जो डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट और मरीज और उसके घर वाले इन सबको मिलके एज ए टीम अप्रोच करनी पड़ती है। एयर बाइक चलाना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिससे कि मरीज में कॉन्फिडेंस बनता है, इसमें पैर सीधा रहना चाहिए, पैर बाहर एक्सटर्नल रोटेशन में नहीं होना चाहिए, और मरीज से कहें कि जांघों को पास पास लाने की कोशिश करें, हाँ और पास लाओ जांघों को, हाथों से साइकिल चला पैर का मूवमेंट, पैरों से जोर मन लगाइए साइकिल हाथों से चलाइए, सीधे तन के बैठिएगा आप बिल्कुल जैसे सिखाया था, और घुटनों को जितनी जांघें आपस में रगड़ेंगी उतना ज़्यादा घुटना आपका अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है लगाइए आप अच्छी तरह से, चलाइए साइकिल को, एयरबैग अच्छी तरह देखते जाइए शीशे के अंदर, और शीशे में एयरबैग देखिए कैसे चला रहे हैं आप, और जब आप एयरबैग चला रहे हैं अंगूठा इस तरह से सामने रहेगा, अंगूठे से धक्का दीजिए और उंगलियों से अपनी तरफ खींचिए, देखिए एयरबैग चला रहे हैं और शीशे में अपने को देखते जा रहे हैं कैसे एयरबैग चला रहे हैं, देखिए घुटनों को पास पास लाइए चलाइए तन के बैठिए सीधे और चलाइए जंग की एक्सरसाइज चलाइए, वेरी गुड, हाथ से चलाइए पैरों से नहीं, हाँ चलाइए हाथ से चलाइए पैरों से ताकत बल लगाइए, हाँ प्रैक्टिस करिए जांघों को पास पास लाने की, देखिए जांघों को पास पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है नॉर्मल आने के लिए, अलाइनमेंट बनाने के लिए, कॉन्फिडेंस बनाने के लिए,
और खूब चलाइए, ठीक है। चीज़ों का ध्यान रखिए जितनी चीज़ें सिखाई हैं, ठीक। हर दूसरे दिन आपको दो दिन पूरी प्रैक्टिस करिए, अगले दिन फिर और नई चीज़ बताएंगे, फिर और नई चीज़ बताएंगे, जब तक कि आपकी चाल कोई ये ना बता पाए कि आपकी टांग नहीं है। आपकी चाल ऐसी लगनी चाहिए जैसे आप अपनी नॉर्मल टांगों से चल रहे हैं, तो मजा है ज़िंदगी का। और झटका खा रहे हो और लोग देख के तमाशा बना रहे हैं तो आपको मज़ा नहीं आएगा, ना सर्जरी के अंदर और ना प्रोस्थेटिक फिटिंग के अंदर, ठीक है ना। कोई नहीं बता पाया कि आपकी नकली टांग है, तो मज़ा है ज़िंदगी का और बिल्कुल हो जाता है। आप मेहनत करिए और नॉर्मल आने में आपको 2-3 महीने का टाइम लगेगा, जब आप रोज़ाना 2-2 घंटे घर पर 3 सेटिंग देंगे, 4 सेटिंग देंगे, 7-8 घंटे इसमें लगिए तब आएगा। आता है बिल्कुल 100% आता है, कोई नहीं जज कर सकता, पर मेहनत करनी पड़ती है, मांसपेशियों की ताकत नॉर्मल करनी पड़ती है।